मैं ये हॉस्पिटल बंद करवाऊंगी, कुत्ते ये सबके वार्ड लगवाऊंगी ना। देखो ये कितना किसी के हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है यार। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा कैसे हमारी सरकार लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है। सरकार को गरीब लोगों की जान जरूरी नहीं है, उनको तो बस इलेक्शन में रैली करना है। आज बहुत सी चीजों का खुलासा करने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक ऐसे ही बने रहना। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के नाक में दम करके रख दिया है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा कहर आज हमारे भारत में देखने को मिल रहा है। कोरोना पॉजिटिव थे, साथ में तो हम एम्स गए, वहां बोले कि आज जगह नहीं है। जहां आज से कुछ महीने पहले हमने इस वायरस से अपनी जंग जीत ली थी, तो वहीं आज ये हाल है कि पूरी दुनिया में हमारी खिल्ली उड़ाई जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। हम आम जनता ने तो लापरवाही की ही है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा लापरवाही अगर किसी ने की है तो वो है हमारे देश की सरकार ने, जिसे आज से 3 हफ्ते पहले ही लॉकडाउन लगा देना चाहिए था, लेकिन नहीं, किश्तों में लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं और फिर इल्जाम सारी जनता के ऊपर थोप दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताऊंगा भारत में, खास करके भारत के उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाना इतना जरूरी क्यों हो गया है। दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले जब सरकार से ये कहा गया कि कोरोना वायरस फैल रहा है, रैलियां बंद करवाओ, सरकार ने साफ इनकार कर दिया। कहा गया कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा है, पंचायत चुनाव बंद करो, फिर भी सरकार नहीं मानी। अब सरकार तो मान नहीं रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने आगे आकर फैसला लिया और कहा उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में आज के आज लॉकडाउन लग जाए। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे भांग धतूरा खाकर बैठी थी, उसे लोगों की जान से ज्यादा उनके रोजगार की चिंता थी। तभी तो कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए बोला कि सख्ती बढ़ जाएगी लेकिन लॉकडाउन नहीं लगेगा। मतलब सबसे पहले हमें समझ में नहीं आता कि भगवा पहन के खुद को भक्त कहने वाले भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिमाग में ये बेवकूफी भरी चीजें आती कहां से है, जहां छोटे से छोटे प्रदेश में लॉकडाउन लग चुका है और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, तो वहीं इनको तो होश ही नहीं है कि इनके प्रदेश में क्या चल रहा है। वैसे भी इतने सालों से सरकार होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में बेटियों बहनों की सुरक्षा के मामले में ये लोग कुछ नहीं कर पाए। अब जब करने की बारी आई है तब ऐसा पल्ला झाड़कर किनारे खिसक रहे हैं, जैसे कोई जिए या मरे इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, भला जान ही नहीं रहेगी तो मुख्यमंत्री साहब लोगों की जीविका बचाकर क्या करेंगे। क्योंकि एक बात तो पक्की है, जो मजदूर एक साल पहले ही कोरोना वायरस और बड़े से लॉकडाउन को झेल कर जिंदा बचे हैं, रस्सी लेके चलाऊंगी कसम से मर जाऊंगा लेकिन अब लौट के नहीं जाऊंगा, वो इस बार वाले खतरनाक वायरस और छोटे से लॉकडाउन को झेल कर जिंदा बच जाएंगे, क्योंकि बिना लॉकडाउन के उनकी हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। अगर हम हाल की बात करें तो WHO ने गाइडलाइंस जारी कर दी है कि अब ये वायरस हवा में फैल चुका है, यानी घर पर भी अब मास्क लगाकर चलना जरूरी हो गया है। हालांकि घर पर तो पुलिस आपका मास्क के लिए चालान काटने नहीं आएगी, लेकिन अगर इंसान को अपनी सुरक्षा प्यारी है तो उसे मास्क लगाकर घर पर भी रहना पड़ेगा। अब आप खुद ही सोचिए, इतनी तड़पती गर्मी में घर के अंदर मास्क लगाना किसी सजा से कम नहीं है, पर आप ये भी सोचिए कि मौत की सजा से बड़ी सजा क्या हो सकती है, जिससे बचने के लिए जो कोई भी सजा मिले उसे अपनाने में ही भलाई है। क्योंकि आज से एक साल पहले जो कोरोना वायरस चला था वो सैनिटाइजर और काढ़े से सही हो जाता था, लेकिन अब जो वायरस हवा में फैल चुका है वो इंसान को अंदर ही अंदर पूरी तरह से कमजोर किए जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना, ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी, ट्राई करो, इट्स वर्क। और जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उनको तो 4 से 5 दिन में टाटा बाय बाय कह देता है। आज हालात ये हो चुके हैं कि अस्पताल में बिस्तर तक इंसान को तभी मिलता है जब दूसरा इंसान मौत के आगोश में जाता है, क्योंकि हर जगह बेड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। बाकी तो हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता ही चुके हैं कि किस तरह ये वायरस इंसान के शरीर में घुसकर उसे अंदर ही अंदर खोखला करने लग जाता है। पर इन सब चीजों के बावजूद सरकार को अक्ल नहीं आ रही है। लेकिन हद तो तब हो गई जब सरकार ने कुंभ मेले को नहीं रोका। मतलब न जाने कौन सी धार्मिक राजनीति ये लोग कर रहे हैं कि इनके लिए लोगों की जान से ज्यादा जरूरी अपना नाम बनाना हो गया है। और उसी चीज का नतीजा है कि जितने भी लोग कुंभ में गए थे उन सभी में से 90% से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस हो गया। अब इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है, कुंभ में जाने वाले लोग या फिर उनको आयोजित करने वाली सरकार?
हमारे नजरों में तो दोनों ही लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन इन सारे मामलों में सरकार ज्यादा जिम्मेदार है, जहां बेचारे लोग तो किसी न किसी काम से घर से बाहर निकलेंगे ही, लेकिन सरकार को हालात की गंभीरता समझनी चाहिए और ठीक तरह से लॉकडाउन लगा देना चाहिए ताकि इन बढ़ते मौत के सिलसिले को रोका जा सके। वरना जिस तेजी से ये वायरस लोगों को अपने चपेट में लेकर दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर रहा है, उससे ये चीज तो साफ है कि आने वाले एक साल तक हमारे भारत की आबादी आधी तो साफ हो चुकी होगी। और हम ये कोई कही सुनी बात नहीं कह रहे, बल्कि वाकई में अगर हालात इसी तरह रहे तो किसी का भी बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सिर्फ वही इंसान जीवित रह पाएगा जिसकी इम्यूनिटी ठीक है। अब लॉकडाउन लगाने के मामले में हम और आप केवल सलाह दे सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी सुरक्षा हमारे हाथों में है। अब भले ही सरकार लॉकडाउन ना लगाए, लेकिन हमारा खुद का ये फर्ज बनना चाहिए कि बिना मतलब के सड़कों पर और सिर्फ जरूरी काम के लिए अपने घर से निकलें। अगर ये चीजें हम करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली सड़कों पर भीड़ कम हो जाएगी, और ऊपर से अगर आपको किसी कारणवश घर से बाहर जाना भी पड़ता है तो एक नहीं बल्कि दो दो मास्क अपने चेहरे पर लगाइए। अपने साथ सैनिटाइजर ले लीजिए और थोड़ी थोड़ी देर पर हाथों को सैनिटाइज करते हुए मास्क को घर पर जाने से पहले बिल्कुल भी न उतारे, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स का ये कहना है कि मास्क ही ऐसा रामबाण इलाज है जो लोगों को इस बीमारी से बचा सकता है। वरना ये वायरस कब किसको किस तरह अपनी चपेट में ले ले इसका कोई अंदाजा नहीं है, और इस चीज से बचने के लिए अपनी सावधानी बहुत जरूरी है। बाकी दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या भारत में लॉकडाउन लगना चाहिए, या फिर आपको भी लगता है कि जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।